हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हमारा जो एग्जैक्ट रूट फाइंड करने का बेसिक मेथड है, बाइसेक्शन मेथड के बारे में। इसको बोलजानो मेथड भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि द इक्वेशन एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दे रखी है, इसमें दे रखा है कि हैज़ वन रियल रूट बिटवीन 1.4 एंड 1.5। यहाँ पर कि हमें स्टूडेंट बात करें तो 1.4 एंड 1.5 दे रखा है रूट, यानी कि हमारी 1.4 पर नेगेटिव वैल्यू आएगी और 1.5 पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आप देख रहे हैं सोल्यूशन के अंदर कि जब हम इसे बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो पहले हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच इक्वेशन को लाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 1.4 और 1.5 के बीच यहाँ पर हमारी वैल्यू इक्वेशन है जो लाई कर रही है, क्योंकि 1.4 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 1.5 पर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से लिख देते हैं कि द रूट लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। उस टेबल में आप देख रहे होंगे फर्स्ट वैल्यू है एक्स ज़ीरो, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है, जिस पर 1.4 रखने पर एक्स ज़ीरो में, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 1.4 है, जो रखने पर हमें इक्वेशन में नेगेटिव वैल्यू मिली थी। देन उसके बाद आती है एक्स वन, नेक्स्ट वैल्यू 1.5, जो इक्वेशन में रखने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली थी। ठीक है, अब उसके बाद इक्वेशन में स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन। एन प्लस वन का क्या मतलब हुआ? एक्स की लास्ट वैल्यू है 1, तो ये एन प्लस वन क्या हो गया? एक्स टू, यानी कि एक्स टू बराबर ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी क्या है हमारा? ए क्या है? एक्स ज़ीरो, और बी क्या है हमारा? एक्स वन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एक्स ज़ीरो प्लस एक्स वन अपॉन टू। ठीक है, यानी कि 1.4 प्लस 1.5 अपॉन टू, तो हमारा क्या निकल कर आता है? 1.45। अब 1.45 जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो हम उस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो इक्वेशन के अंदर रखने पर हमें मिलता है 0.82498। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू मिली है हमें। और ये हम क्रॉस चेक करते हैं इसको कि हमारे पास जो न्यू पॉजिटिव वैल्यू आई है वह फंक्शन में रखने पर प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। तो हम देखते हैं कि प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या मिली थी। अब स्टूडेंट्स आप देखें, एफ एक्स वन में हमें क्या मिला है? 1.953125। ठीक है, जिससे कि हमारी जो न्यू वैल्यू है 0.82498 वह छोटी है, तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पर 1.4 एक्स ज़ीरो की वैल्यू तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, देन एक्स वन की वैल्यू में हम यहाँ चेंज कर देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे 1.45, और जो हमारी एफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू है वह भी सेम रहेगी, माइनस के 0.05606। देन एफ एक्स वन की वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0.82498। ठीक है, अब हमारे पास एक्स ज़ीरो और एक्स वन की न्यू वैल्यूज आ गई, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स ज़ीरो प्लस एक्स वन, यानी कि 1.4 प्लस 1.45 अपॉन टू। तो हमें क्या मिलेगा? एक्स एन प्लस वन में 1.425, और जब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.356077, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, और प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू जो उसके जस्ट ऊपर दे रखा है 0.82498 उससे छोटी है। तो हम वापस से 1.45 को 1.425 से इंटरचेंज कर देंगे, और एफ एक्स की जो वैल्यू है एफ एक्स वन की, उसमें हम 0.82498 की जगह 0.356077 लिख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर अगर हम बात करें तो 1.4 और 1.425 न्यू वैल्यू, इसको हम देखते हैं वैल्यूज इंटरचेंज हो गई। अब हम क्या करते हैं? एक्स एन प्लस वन बराबर ए प्लस बी बाई टू, यानी कि 1.4 प्लस 1.425 अपॉन टू, तो हमें क्या मिलता है? 1.4125। और जब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0.143208। ओके, अब हम देखते हैं प्रीवियस वैल्यू से फिर ये छोटा है पॉजिटिव वैल्यू से, तो हम वापस से इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो हम फोर्थ स्टेप में 1.4 और 1.425 को 1.4125 से चेंज कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू हमारी एज इट इज़ रहेगी, और पॉजिटिव वैल्यू में हम 0.356077 की जगह क्या लिख देंगे? 0.143208। उसके बाद हम दोबारा से करते हैं एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू,
यानी कि 1.4 प्लस 1.4125 अपॉन 2, तो हमें क्या मिलता है 1.40625। जब हमें 1.40625 मिलता है, इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 0.04190, ठीक है, जो कि प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू से फिर छोटा है। तो हम वापस से चेंज कर देंगे, दोबारा से चेंज कर देंगे यहाँ पर हम, तो फिफ्थ स्टेप में देखें 1.4 प्लस 1.4125 की जगह क्या लिख देंगे 1.40625, और माइनस की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। पॉजिटिव की वैल्यू हम 0.143208 की जगह क्या लिख देंगे 0.04190। ओके, अब हम दोबारा से करते हैं a प्लस बी बाई टू, यानी कि 1.4 प्लस 1.40625 अपॉन 2, तो हमें क्या मिलता है 1.403125, ठीक है। इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो अब यहाँ हमें फर्स्ट टाइम क्या मिलती है नेगेटिव वैल्यू माइनस के 0.00748, जो प्रीवियस नेगेटिव वैल्यू है माइनस का 0.05606 से छोटी है। तो हम अब नेगेटिव वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि अब हम सिक्स स्टेप में 1.4 की जगह क्या लिखेंगे 1.403125, और पॉजिटिव वैल्यू में हम एज इट इज़ रहेगी 1.40625, और यहाँ पर नेगेटिव में फंक्शन वैल्यू यानी कि एफ एक्स जीरो की वैल्यू भी चेंज कर देंगे 0.00748, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर एफ एक्स वन की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर 0.04190, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें a प्लस बी बाई टू, यानी कि 1.403125 और 1.40625, ठीक है, इसको हम करेंगे प्लस अपॉन टू करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1.404685, और फिर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 0.01706, ठीक। अब हम एक्स वन की वैल्यू को चेंज कर देंगे यहाँ पर सेवन्थ स्टेप में एक्स, अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है आप देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू सेवन्थ स्टेप में चेंज कर देंगे 1.403125, 1.404685, देन नेगेटिव वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू चेंज हो जाएगी 0.01706। फिर अगेन हम क्या करेंगे a प्लस बी बाई टू, यानी कि 1.403125 प्लस 1.404685 अपॉन 2 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1.403902, यानी कि इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.004716। ये हमारी फिर प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू से छोटी मिल गई हमें वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स अगेन हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे, वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने पे हमें एट्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो 1.403125 यानी कि x0 की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, x1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1.403902, माइनस की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, पॉजिटिव की वैल्यू 0.004716, ठीक है, ये चेंज हो गई वैल्यू। उसके बाद हम a प्लस बी बाई टू करेंगे तो हमें 1.403511 मिलेगा, उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें फिर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, जो कि प्रीवियस नेगेटिव वैल्यू 0.00748 से छोटा है, ठीक है। तो हम x0 की वैल्यू अब यहाँ चेंज करेंगे 1.403511, और 1.403902 हम x1 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और 0.00143 फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर, और यहाँ पर हम दोबारा से जो पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू है वह एज इट इज़ रहेगी, और दोबारा से a प्लस बी बाई टू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.403706। फिर हम जब इसे फंक्शन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.001632, ठीक है। इसे हम वापस से इंटरचेंज करेंगे प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू से, तो हमें टेंथ स्टेप में देखें 1.403511 एज इट इज़ रहेगा, देन 1.403706 ये वैल्यू चेंज हुई है यहाँ पर, देन माइनस की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, पॉजिटिव की वैल्यू में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन में हम इसको a प्लस बी बाई टू करेंगे तो 1.403608 यहाँ पर हमें मिलेगा, आप देख रहे हैं, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें 0.000923 मिलेगा, जो प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू से छोटा है। उसके बाद आप देखें x0 की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, x1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, देन नेगेटिव वैल्यू एफ एक्स जीरो माइनस हो जाएगा, देन आप देखें यहाँ पर एफ एक्स वन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, देन उसको हम जब a प्लस बी बाई टू करेंगे तो हमें मिलेगा 1.403678। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि प्रीवियस एक्स एन प्लस वन की वैल्यू और प्रेजेंट दोनों में फोर डिजिट सेम आ रहे हैं 1.4036,
तो यही हमारा एग्जैक्ट रूट होगा इक्वेशन का। सो स्टूडेंट्स, इसको आप एक बार खुद से करके देखिए अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।